नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। विशेष कवि सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम लोग अलग अलग कवियों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और खास उनकी एक रचना को हम लोग सुनते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी को सुना था। अभी हमारे बीच में एक दिग्गज कवि हैं अशोक अशु जी, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कवि सम्मेलन में, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम अशोक अश्रु है, मैं आगरा से हूँ, और मैं जो है साहित्य के क्षेत्र में कविता, आलेख, कहानी वगैरह ये सब इसमें मेरा वो है। हाँ। जी सर जी, अशोक जी, मैं चाहूंगा कि एक सुंदर रचना अध्यात्म पर हमारे सभी श्रोताओं को सुनाइए। जी, मैं एक रचना जो है दीपक को लेकर मैंने अपनी बात रखी है, और अच्छा। आज के माहौल में मैं उस दीपक को जलाना चाहता हूँ। अपनी रचना प्रारंभ करता हूँ सर। जी, मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ, तिमिर मिटाता हूँ, राहों के कांटे चुन चुन गीत प्रेम के गाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, दीवट पर दीपक दीपक में बाती, तिमिर हार नहीं द्वार द्वार मुस्काती, ज्ञान पुंज ने कलुषित मन के धागे खोले, चिंतन के मंथन से निकला चिंतन अनुरागी रंग भूले। मैं मन का कृष्ण न चाहता हूँ, कटी पतंग को बांध डोर से पुनः उड़ाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, वंदन में अभिनंदन, शून्य या छिपा शून्य में सृष्टि का वातायन, चेतन से अवचेतन, भावों से गुंठन अवगुंठन, मैं नवचेतन का शंख बजाता हूँ, भाव भूमि को ज्योतित चूनर पहनाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, और अंतिम बंद है मेरा, मैं खोजता अमृत जीवन का मरण से, पहुंचता अश्रु हर जीव का उसके नयन से, ओढ़कर परछाइयां सत्यम शिवम सुंदरम की, बांधता जन जन से डोर जन्मो जन्म की। मैं आंसू को सीपों में दुलराता हूँ, मेरा नाम आंसू है, अश्रु है, मैं आंसू को सीपों में दुलराता हूँ, मैं फूलों को बुनबुन हार बनाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अशोक जी, बहुत ही प्यारी सी कविता आपने सुनाया अध्यात्म पर, और बड़ी अच्छी लाइनें आपने सुनाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। मैं हूं पंकज उदास, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।